जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी मेकर में, एसएससी सीपीओ में। देखिए, रॉ मार्क्स जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है जो नॉर्मलाइजेशन निकल के जो मार्क्स आता है, क्योंकि वहीं आपका फाइनल मार्क्स होता है। मतलब कि टीयर वन में आप सभी का जो मैटर करता है मार्क्स, वो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो मार्क्स है वो मैटर करता है। तो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के लिए हम एक वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं कि शिफ्ट वाइज जिसका जिसका अपना रॉ मार्क्स जो भी अपने आंसर की को मिलाने के बाद जिनका निकल के आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन ऐड करने के बाद अगर उनका वो कट ऑफ पार हो जा रहा है, ठीक है। बहुत जगह आप सभी देख रहे होंगे रॉ कट ऑफ कोई बता रहे, कोई फाइनल कट ऑफ बता रहे। हमारा वीडियो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फाइनल कट ऑफ भी है, रॉ कट ऑफ भी है, दोनों वीडियो देख सकते हैं। दोनों पे कम से कम 10,000 व्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार था उस पर। अगर हम लोग बात करें रिजल्ट डेट का, रिजल्ट डेट हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आंसर की का हम बार बार बोलते हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं आंसर की वैसे वैसे सेम आते गया, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल हो, एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का हो, किसी का भी हो, एसएससी से रिलेटेड 110% वो लग जा रहा है 9 नवंबर का। अब देखिए, इसमें से जो नॉर्मलाइजेशन में मैटर करता है वो करता है आपका एक हार्ड शिफ्ट और एक आपका मैटर करता है इजी शिफ्ट, ठीक है। ये दोनों पे ही आपका नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है। सबसे इजी शिफ्ट जो था वो 10 नवंबर का जो बीच वाला था, मतलब 10 नवंबर का जो सेकेंड शिफ्ट था वो आपका सबसे इजी शिफ्ट माना गया, ठीक है। सबसे इजी शिफ्ट आपका कौन माना गया है? 10 नवंबर का बीच वाला, मतलब सेकेंड शिफ्ट। उस हिसाब से जैसे मान लीजिए कोई बच्चों का रॉ मार्क्स आ रहा है, कोई लड़का है उसका रॉ मार्क्स मान लीजिए आ रहा है कि आपका 90 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। अब वो कब एग्ज़ाम दिया है? वो एग्ज़ाम दिया है 10 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में, तो इसका रॉ मार्क्स में ये 12 नंबर ऐड होके कितना हो जाएगा? 102 मार्क्स। और ये अगर एस सी एस टी कैटेगरी है तो इसका सीपीओ इस बार टीयर वन एकदम क्लियर हो रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहीं से लिए नॉर्मलाइजेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अपने अपने शिफ्ट में हैं, और भी बातें वीडियो में बताएंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सभी अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले देखिए, नवंबर में अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर पड़ा है, देखिए लास्ट शिफ्ट जो था कोई भी एग्जाम का, मतलब तीनों में से कोई भी डेट का जो लास्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, थर्ड शिफ्ट, उसका पेपर जो है वो हार्ड है, ठीक है। हार्ड टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू हार्ड कुछ भी बोलिए, दोनों एक ही हैं, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर रहा है लास्ट शिफ्ट वाला, कोई भी दिन का देख लीजिए। अब देखिए, अब हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। 10 नवंबर का अगर पहला शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर जोड़ दीजिए, 11 नवंबर में है तो 9 नंबर जोड़ दीजिए, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। तीनों दिन के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का आपका नॉर्मलाइजेशन का जो बता रहे हैं वो एकदम सटीक बता रहे हैं, 100% बता रहे हैं, इसी के आसपास आपका ये निकलेगा। देखिएगा, रिजल्ट के दिन भी आप सभी का जो है इसी के आसपास आप सभी का निकलने वाला है। दो सेकेंड शिफ्ट में अगर 9 नवंबर को, तो 6 नंबर उसमें ऐड कर लीजिए। अगर सेकेंड शिफ्ट में है 10 नवंबर को पेपर दिए हैं, 10 नवंबर के जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं प्लस 12 प्लस 10, इससे कम नहीं होगा। 110% सबसे इजी शिफ्ट था ये, ठीक है। अब इसके जो जो बच्चे हैं, जो 12 नवंबर के बच्चे हैं सेकेंड शिफ्ट वाले, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि शिफ्ट इजी था या हार्ड था, शिफ्ट इजी था या हार्ड था, क्योंकि बच्चे बताए हैं तभी जाके हम ये नंबर यहाँ पर दिए हैं। 12 नंबर ऐड हो सकता है, 10 से 12 नंबर इजीली ऐड हो सकता है। 11 नवंबर में 8 नंबर आपका सेकेंड शिफ्ट में ऐड होगा नॉर्मलाइजेशन में। 2-4-2 मतलब कि सबसे हार्ड शिफ्ट है, इन सभी बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका शिफ्ट प्लस 2 या प्लस 4 या प्लस 2, इसी प्रकार से आपका नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में ऐड होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मलाइजेशन होता इसीलिए है क्योंकि सबको एवरेज कर दिया जाए, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, अगर आप पेपर बढ़िया से दिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट डेट का आप लोग बात करें तो रिजल्ट जो है आपका जनवरी में, ठीक है, जनवरी में ही निकलेगा। दिसंबर में बहुत लोग बोल रहे थे कि सर दिसंबर में लग रहा है निकल जाएगा, दिसंबर में निकलने का कोई चांस नहीं है, जनवरी के फर्स्ट वीक में निकल सकता है 110%। आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बोलिएगा, बीच बीच में हम आप सबको टाइम टाइम पे एक अपडेट देते रहेंगे कि एसएससी सीपीओ का रिजल्ट कब आने वाला है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।